नाम है आपका? माय नेम इज ऋषि सक्सेना। ऋषि भाई, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। या सर, क्या आप उसका जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। नहीं, पूरा नाम बताइए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या कर रहे थे आप अभी? जी क्या कर रहे थे अभी? हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट बारे में जानते हैं कुछ? जी बहुत कुछ। अच्छा ये बताइए, एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं? सर छः बॉलें होती हैं। ओके, तो और जो इस लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था? आप सर कौन सा वर्ल्ड कप? सर जो अभी 50 वाला जी, सर वो इंडिया पाकिस्तान का था और वो पाकिस्तान जीती थी। पाकिस्तान जीती थी, इनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान जीती थी वर्ल्ड कप। ओके, ये बताइए अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री एक दिन के लिए बनाया जाए तो आप क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे, क्या चेंज लाना चाहेंगे? सर ये तो सोचने वाली बात है। क्या सोच के बताइए, आप इस देश के नौजवान पीढ़ी हैं, आप ही आगे चल के सेना में जाएंगे? सर जैसे कि हमारे देश में जितनी भी गरीबी है हम वो मिटाना चाहेंगे। ओके। और सर जितने भी ये सर लोग जो रहते हैं वो घर में झोपड़ा बनाकर। ओके, घर में झोपड़ा बना रहते हैं, घर के अंदर झोपड़ा बना सर रहते हैं। मतलब कि बाहर जो झोपड़ा बना के रहते हैं सड़क पे। हाँ हाँ सड़क पे। जी सर, सड़क पे झोपड़ा बना के रहते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा घर बनवा के, मकान बनवा के देंगे। ओके, तो आप भिखारियों के लिए क्या करना चाहेंगे? सर भिखारियों के लिए, सर देखिए अगर हम उन्हें रोटी खिलाते रहेंगे वो तो खाते रहेंगे। ओके सर, अगर हमें भिखारियों के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढकर उनका रोजगार पैदा करना चाहिए। क्यों ना सबकी शादी करवा दी जाए, जो जवान भिखारी हैं तो नहीं उनको रोजगार मिल जाएगा, कुछ काम वगैरह कुछ करने लगेंगे। जी सर, मैं यही चाहूंगा कि अगर जो जितने भी शहर में भिखारी हैं उन्हें काम दे दिया जाए, वो भीख छोड़ दें और काम दे दिया जाए तो उनके लिए ज्यादा बेटर होगा। काम नहीं है, भीख में भी तो मेहनत पड़ती है ना? जी सर बहुत मेहनत, बहुत पे चलना पड़ता है दिन भर। जी 10 लोगों से मांगते हैं तो एक मिलता है, तो आपके अकॉर्डिंग भीख मांगना काम क्यों नहीं है? सर मेरे ख्याल में ये काम नहीं है। क्यों नहीं है सर ये? नहीं, आप अपने विचार बताइए, आपके अकॉर्डिंग ये काम क्यों नहीं है? सर ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग घर घर आते हैं, कोई कोई होते हैं जो सर सुनिए कोई कोई होते हैं जो बेइज्जती कर देते हैं। और सर मैं ये चाहता हूँ कि वो भीख मांग नहीं, बेइज्जती तो भाई मेरी भी हो सकती है, मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, कोई भी कर सकता है बेइज्जती। भाई भीख के काम में आपको चलना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है, फटे को पुराने कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, भले आपके झोला भरा हो, तो ये भी तो मेहनत का काम है। जी सर बहुत मेहनत का काम है। तो आप क्या एग्री करते हैं, भीख मांगना चाहिए या नहीं? सर मेरे ख्याल में तो नहीं मांगना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कट करो।